हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका दिवाली छठ? खूब इंजॉय किए? चलिए, तो पर्व का माहौल खत्म हो चुका है, अब आइए पढ़ाई का बात करते हैं। आप लोगों ने भी काफी इंजॉय किया, आपने भी काफी इंजॉय किया है ना। लेकिन हमारा युद्धाभ्यास प्रोग्राम काफी सफल रहा, बच्चों ने काफी इससे फायदा उठाया जो बच्चे पटना रुके। अब हम लोग अब यूट्यूब का नया वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो पिछला वीडियो तो आपने देखा ही अलजेब्रा का, और जो लोग नहीं देखा है फिर से देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस अलजेब्रा के टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और वो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मेंस लेवल के है ना। तो उसको आप लोग देख लेंगे जरूर से। और ये जो नया वीडियो मैं ला रहा हूँ, ये है नंबर सिस्टम का टॉप 100 क्वेश्चंस। देखो बच्चे, इस 100 क्वेश्चंस को हम लोगों ने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, और हर पार्ट में 20-20 क्वेश्चन है। और ये मान के चलो कि 100 क्वेश्चन जो है बिल्कुल नंबर सिस्टम का निचोड़ है, और बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट बेस्ट। और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आने का सिर्फ एक कारण है कि नंबर सिस्टम का देखो किसी भी बुक में एक साथ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। और आप 2016 मेंस देखिए, 17 मेंस देखिए, कोई भी अच्छा एग्जाम देखिए, तो वहाँ नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बढ़ा रहता है, बढ़ा पड़ा रहता है, और बहुत कम लोग इसको पढ़ाते हैं और बहुत कम लोग इसको पढ़ते हैं। तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक बात ये भी समझ में आ जाएगा कि आप अगर नंबर सिस्टम पढ़े हैं तो किस लेवल का पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है, है ना। और इस वीडियो में हम लोगों ने, जैसे मैं अपना जो भी क्लास शुरू करता हूँ मैथमेटिक्स पॉइंट में, मैं जो भी क्लास शुरू करता हूँ वो हर बैच हमारा नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है ना। और मैं अपने क्लास में लगभग लगभग 1 महीने नंबर सिस्टम पढ़ाता हूँ, 1 महीना, 1 मंथ कंप्लीट, क्योंकि मेरा मानना है कि नंबर सिस्टम गणित का आधार है, और जब तक आधार स्ट्रांग नहीं होगा गणित पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं। तो मैं 1 महीने ऑलमोस्ट नंबर सिस्टम पढ़ाता हूँ और 1 से 1.5 महीना अलजेब्रा पढ़ाता हूँ, ये हमारा फाउंडेशन का टॉपिक होता है। तो अपने बैच में 1 महीने नंबर सिस्टम पढ़ाने के बाद जो मैं टेस्ट लेता हूँ 100 क्वेश्चंस का, है ना, 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूँ 1 महीना पढ़ाने के बाद, ध्यान देना, 1 महीना पढ़ाने के बाद टेस्ट लेता हूँ। ये जो आपको, जो आप वीडियो भी देखेंगे, वो 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है जो मैं क्लास में करा रहा हूँ अभी। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लास नहीं है, कि 100 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने के बाद जो उसका सॉल्यूशन है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो हो सके जो बच्चे नए हैं, जो मेरे से नहीं पढ़े हैं, उनको शायद थोड़ा समझने में परेशानी हो। तो अगर वो परेशानी हो तो घबराइएगा नहीं, मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरा फुल फुल डिटेल में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं भी फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊँ, है ना। तो आप इसको देखें और इसका फ़ायदा उठाएं, और इसको देखने का फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप पहले मेरे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या तो मेरे Facebook टाइमलाइन से मैं इसके क्वेश्चन को अपलोड कर दिया हूँ। पहले आप उस 100 क्वेश्चंस को वहाँ से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद उसको आप पहले बना लें, तब ताकि आप क्वेश्चन से क्या हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे, और तब आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको बहुत मजा आएगा और बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और तब ये मेरे वीडियो को बनाने का क्या होगा, मकसद पूरा होगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला। तो पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को अपलोड करें, अपलोड करने के बाद बनाएं, बनाने के बाद फिर वीडियो देखें, ठीक है। ये वीडियो 21 तारीख से स्टार्ट होगा, हर ऑल्टरनेट डे पे 21 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 29 तारीख को शाम को 6 बजे हम लोग इसको डाल देंगे किस पे, यूट्यूब पे, और आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये बच्चे कि इसके खत्म होते हम लोग शुरू करेंगे DI का सीरीज, DI एकदम बैंक SBI लेवल तक, ठीक है ना। और उसमें यहाँ पे तो क्वेश्चंस कराया जा रहा है, DI पूरा पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल क्लासरूम का पूरा पढ़ाने वाला DI को मैं आपको अपलोड करूंगा। मतलब उस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको DI कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम में बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ विथ बेस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, लेकिन DI में क्वेश्चन भी दूंगा और पढ़ाऊंगा भी पूरा, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको फायदा पहुँचाएगा, है ना, ठीक है। धन्यवाद, इस वीडियो को देखिए और इसका फायदा उठाइए, और अगर पसंद आए शेयर करिए, थैंक यू। चलिए तो मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ, ये भी मैं अपने क्लास में इसको डिस्कस कर रहा हूँ, है ना बच्चों। चलो शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम का सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये एक मैंने एक प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन ये बोलता है कि AN+BN इज डिविजिबल बाय A-B, ठीक है बच्चों। AN+BN इज डिविजिबल बाय A-B, तो आपके पास 4 ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि फॉर ऑल
इंटीग्रल फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन के सभी पूर्णांकों के लिए. दूसरा बोल रहा है कि व्हेन एन इज एन इवन नंबर, जब एन कैसा हो, सम संख्या हो. तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है बच्चों कि वेयर एन इज एन ऑड नंबर, व्हेन एन इज एन ऑड नंबर, जब एन कैसा नंबर हो, ऑड नंबर हो बच्चों. और चौथा क्या बोल रहा है बच्चों कि फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन. तो क्वेश्चन बोलता है कि ए एन प्लस बी एन इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी, मतलब ए एन प्लस बी एन कब डिविजिबल है ए माइनस बी. तो याद करिए, मैंने आप लोगों को क्लास में कराया है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, इस पूरा रूल लिखाया है पूरा, है ना. तो ए एन प्लस बी एन इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी. तो आप ये बात जानते हैं कि अगर हम एन को ऑड कर दें, अगर हम एन को ऑड कर दें तो ए प्लस बी कभी भी ए माइनस बी से नहीं कट सकता है, ठीक है. तो ये संभव नहीं है. अगर हम एन को इवन कर दें, अगर हम n को इवेन कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी a माइनस बी से नहीं कट सकता है. तो n इवेन भी नहीं हो सकता है, n ऑड भी नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे रूल क्या निकला कि फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये निकला बच्चों कि ए एन प्लस बी एन कभी भी a माइनस बी से नहीं कटेगा, चाहे एन ऑड हो, चाहे एन इवन हो, चाहे एन इंटीजर हो, कभी नहीं कटेगा. तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन. तो ये बहुत बेसिक रूल है, ये जो भी नंबर सिस्टम पढ़ाता है वो हर लोग इसको डिस्कस करते होंगे, तो ये आपको आना चाहिए. और इसके ऊपर आगे बहुत सारा क्वेश्चन नंबर भी डिस्कस करेंगे जो आगे आपको मिलेगा, ठीक है बच्चे. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू. बच्चे क्वेश्चन नंबर टू बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर. क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पोजिट नंबर. तो आपके पास चार ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है 589, दूसरा ऑप्शन है 571, तीसरा ऑप्शन है 569 और चौथा ऑप्शन है 563. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोजिट नंबर. तो नंबर दो तरह का होता है जानते हैं आप, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कॉम्पोजिट नंबर, एक भाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या. तो प्राइम नंबर में क्या होता है कि प्राइम नंबर सिर्फ दो फैक्टर होता है, वन और खुद, जैसे दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, और जानते हैं आप लोग ये बस सात हो गया. कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि मोर देन टू फैक्टर्स, जैसे चार, छः, आठ, नौ. तो अब इतने बड़े नंबर में ये देखना कि किसमें दो फैक्टर है, किसमें दो से ज्यादा है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है. तो इसको आसान बनाने के लिए तरीका होता है, तरीका ये होता है कि ये जो सबसे बड़ा नंबर है आप इसको पकड़ लीजिए, या जो सबसे छोटा नंबर उसको पकड़ लीजिए, कोई भी एक नंबर पकड़ लीजिए क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है आपस में. तो मान लीजिए हम 589 को पकड़ लेते हैं, मेरा मन इसको पकड़ने का होगा. अब आप क्या करिए, आपको जिस नंबर को भी चेक करना है, आपको जिस नंबर को भी चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या कंपोजिट, आप उस नंबर को पकड़िए और उस नंबर के ठीक पहले का परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है. क्या करिए, उस नंबर के ठीक पहले का परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए. तो आप बताइए कि 589 के ठीक पहले का क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर. तो 24 का स्क्वायर कितना, 576, ये हो जाएगा. तो 24 हो गया. अब आप क्या बोले, अगर आपको ये चेक करना है कि नंबर प्राइम में कंपोजिट, तो आपको जिस नंबर को भी चेक करना है उसके ठीक पहले का क्या ले लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए. तो 24 का ले लिए. अब जो नंबर आपको मिला उस नंबर का, उस नंबर से नीचे जो भी प्राइम फैक्टर है उसको लिख दीजिए. तो 24 के पहले प्राइम नंबर कौन कौन सा है, तो दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, 23 भी हो गया मान लीजिए. तो मैंने क्या बोला, अगर आपको चेक करना है कि नंबर प्राइम है कि कंपोजिट, तो जिस नंबर को चेक करना है आप ठीक उसके पहले का क्या ले लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए. और जो नंबर मिला, जो नंबर मिला उस नंबर के पहले का सारा प्राइम नंबर लिख दीजिए, ठीक है. तो 24 के पहले का कितना, इतना सारा प्राइम नंबर है. अगर इसमें से एक भी नंबर डिवाइड कर दिया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट, और डिवाइड नहीं किया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम. समझ में आ गया क्या बोले, कि अगर इसमें से अगर एक भी नंबर इसको डिवाइड कर दिया, या इसको डिवाइड कर दिया, या इसको डिवाइड कर दिया, या इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट, और नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, प्राइम.
इससे क्या हुआ कि आपको एक चेक करने का रेंज मिल गया कि हमको किस किस नंबर से चेक करना है। ठीक है बच्चे, तो आप साफ देख रहे होंगे कि अगर हम 589 का बात करें तो 589 किससे कट जा रहा है, 19 से कट जा रहा है। कैसे, तो 19 53 57 कैरी वन है 19, तो 589 डिविजिबल बाय कितना 19। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 589 ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, ना, लेकिन 19 से कट जाएगा। कट गया तो ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। और आप चेक कर लेंगे तो 571 569 563 तीन नंबर, इनमें से किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, ये नंबर क्या होगा हमेशा प्राइम। अगर आपको कभी भी चेक करना हो कि नंबर प्राइम है कि कंपोजिट, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि उस नंबर के ठीक पहले का क्या लिख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर लिख लीजिए। लिख लिए जो नंबर मिला 24 नंबर मिला, और 24 के नीचे का जितना भी क्या है प्राइम नंबर सबको लिख दीजिए। और इसमें से एक भी नंबर डिवाइड कर दिया तो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट, और नहीं किया तो क्या हो जाएगा प्राइम। ठीक है चलिए, अब थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या पुट करें कि ये नंबर कितना से कट जाए। तो आपको हम सिखाए थे कि 11 से कटने का शर्त क्या होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट, और ऑड और इवन पोजीशन का जो सम है उसका डिफरेंस क्या होगा, या तो 0 से कट जाए या तो 0 का मल्टीपल है तो 11 का मल्टीपल। चेक कर लेंगे, 6 5 11 5 16 9 25 25 और 8 बोलिएगा, तो इसका सम कितना हो गया 35। 7 और 8 15 4 19 प्लस x। हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑड पोजीशन माइनस सम ऑफ इवन पोजीशन शुड बी या तो 0 या तो मल्टीपल ऑफ 11। ये शर्त किसका होता है, 11 से कटने का। यहाँ पे ऑड पोजीशन का सम कितना हो गया 33, और इवन पोजीशन का सम कितना हो गया, कितना बोले थे अभी 19 प्लस x। तो 33 माइनस 19 प्लस x, ये हो गया सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन। हम लोग को पता है या तो ये 0 हो जाए या तो मल्टीपल ऑफ 11। आप खुद बताइए ये x को 0 करना आसान है कि मल्टीपल ऑफ 11 करना आसान है। अगर 0 करना होगा तो x का मान कितना होगा, बोलिए 14, और 14 संभव है यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट का नंबर होगा। तो यहाँ पे x का मान क्या पुट कर दे, बोलिए जैसे ही पुट करेंगे 33 में से कितना गया 22, कितना हो गया तो x इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है n इज इक्वल टू 90 × 42 × 324 × 55। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट का बिल्कुल कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं कि एक कॉन्सेप्ट पूरा क्वेश्चन हो गया, हर सवाल अलग कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे है ना, और आसान सवाल भी है, टफ सवाल भी है, बिल्कुल सवाल का मिक्सचर है। तो n इज इक्वल टू 90 × 42 × 324 × 55, और क्वेश्चन आपके सामने ये बोल रहा है बच्चे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, m का हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, ठीक है ना, और सच दैट ये नंबर कितना से कट जाए 3 का पावर m। मतलब इन शॉर्ट आपसे ये पूछ रहा है कि जब ये नंबर 3 का पावर m से कटेगा तो m का हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा। मतलब ये सवाल आपसे और कुछ नहीं पूछ रहा है, सवाल आपसे इतना ही पूछ रहा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 का हाईएस्ट पावर कितना बन सकता है। तो आपको 3 का हाईएस्ट पावर बनाने के लिए क्या करना होगा, 90, तो 90 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर × 10, जिसके बाद आपको 3 से मतलब और किसी से मतलब नहीं है। तो 90 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर × 10, 42, 7 × 3 × 2 क्या हो गया 42, 324 मतलब 18, तो 9 × 2 का होल स्क्वायर। अब बोलिए 55 में कोई भी 3 है, हम इसको के मतलब है, इसको के मतलब है, बोलो इसको के मतलब है, इसको के मतलब है, इसको के मतलब है, तो 3 का स्क्वायर × 3 × 3 का पावर 4, 4 × 2 = 6 और 1, तो m का हाईएस्ट पावर कितना हो गया 7। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो नंबर सिस्टम के टॉप 100 क्वेश्चंस का है, जिसे मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 और पार्ट 5। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि
नंबर सिस्टम के बेस्ट क्वेश्चंस आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि 2016-17 प्री मेंस आप कोई भी एग्जाम देख ले, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा गया है। ठीक है बच्चों, ये जो वीडियो है ये मैं अपने क्लास में जब नंबर सिस्टम एक महीने के आसपास पढ़ाने के बाद जो मैं टेस्ट लेता हूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूँ, ये वीडियो उसका सॉल्यूशन है। तो भूल के भी ना समझें कि ये वीडियो के द्वारा मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं आपको नंबर सिस्टम का बेस्ट क्वेश्चन विथ बेस्ट सॉल्यूशन विथ बेस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो इस वीडियो का बहुत ज़्यादा फायदा उठाने के लिए आप ये करिए कि या तो मेरा फेसबुक टाइमलाइन से, या तो थिंक विदाउट इंक पेज से, या तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस के सेट मिल जाएंगे। पहले आप उस 100 क्वेश्चन के सेट को बना लें और फिर आप इसका वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा और आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि NQ-N और N-2 एक एक्सप्रेशन है, इज एक्सप्रेशन, जहां पे N क्या है, N नेचुरल नंबर, N क्या है बच्चे, नेचुरल नंबर, और ग्रेटर देन क्या है, 2। क्या बोला क्वेश्चन, NQ-N इंटू N-2, जहां पे N कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। और बोलता है कि ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल है, आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है, 6, 12, 24, 48। तो याद करिए आपके पेंडुलम क्वेश्चन क्लास में कराए ना, जब आपको सिखाए थे बाबू, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो कोई दिमाग मत लगाना, बस अपने मन से क्या करना, फिर वैल्यू को पुट कर देना। जैसे कि बोलता है कि n इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2, n एक संख्या है नेचुरल नंबर जो कि 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे लीस्ट 3, तो आप n की जगह 3 पुट कर दिए कहां पे, इस इक्वेशन में, तो 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3 माइनस 2, 27 में से 3 गया कितना हो गया, अब वो लार्जेस्ट नंबर कौन है जो इसको भाग दे देगा, बोलो 12 लार्जेस्ट नंबर है, बोलिए वो लार्जेस्ट नंबर कौन है जो इसको भाग दे देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्हें पूछ रहे आपसे क्वेश्चन में कि वो लार्जेस्ट नंबर कौन है जो इसको डिवाइड करेगा, तो 24 से बड़ा तो कोई डिवाइड नहीं कर सकता है 24 को, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, तो आंसर कितना हो गया, 24 हो गया। जब भी इस पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो कोई दिमाग मत लगाइए, बस इस रिस्ट्रिक्शन को पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन में और वहीं पे चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे, इसको आप बहुत ज्यादा नंबर सिस्टम भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा अलजेब्रा भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा एवरेज भी नहीं बोल सकते हैं, ये नंबर सिस्टम अलजेब्रा एवरेज तीनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। बोलता है कि द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n4, मतलब m संख्याओं का एवरेज कितना है, m संख्याओं का औसत कितना है, n4, तो सम ऑफ m नंबर्स बाय m इज इक्वल टू n4, तो n संख्याओं का औसत क्या है, n4 है, तो सम ऑफ m नंबर्स बाय m इक्वल टू n4, तो सम ऑफ m नंबर्स बराबर mn4, जानते हैं ना, ये औसत क्या होता है, टोटल सम बटा टोटल नंबर, मतलब कुल संख्या बटा कुल योग बटा कुल संख्या, क्या होता है, औसत, कुल योग बटा कुल संख्या, ठीक है ना, टोटल सम बाय टोटल नंबर। अब उसके बाद बोलता है कि n संख्याओं का औसत कितना है, m4, m संख्याओं का औसत कितना है, n4, और n संख्याओं का औसत कितना है, m4, तो सम ऑफ n नंबर्स बाय n इज इक्वल टू कितना हो गया, m4, तो सम ऑफ n नंबर्स क्या हो गया, nm4, बात समझिएगा, सम ऑफ m नंबर्स कितना हो गया, mn4, और सम ऑफ n नंबर्स कितना हो गया, nm4। अब सवाल पूछता है कि द एवरेज ऑफ m प्लस n, मतलब आपको एवरेज निकालना है, किसका एवरेज निकालना है, m प्लस n, तो टोटल सम बाय टोटल नंबर, टोटल सम mn4 प्लस nm4 बाय टोटल नंबर m प्लस,
अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल जाएगा बच्चे, एम एन निकल जाएगा कॉमन। अब यहाँ क्या बच जाएगा, एम क्यू प्लस एम क्यू बट्टा एम प्लस एन। और इस क्लास में बैठा हर विद्यार्थी जानता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बोलो ए प्लस बी इंटू एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर बट्टा एम प्लस। सो आंसर विल बी एम एन इंटू एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस कितना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलो बोलता है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 63 दैट कैन डिवाइड फैक्टोरियल 6336। मतलब 63 का हाइयर हाईएस्ट पावर बताइए जो कि फैक्टोरियल 6336 को डिवाइड कर सके। कौन बनाया था इसको, गुड बहुत बढ़िया। कितने आंसर आया था, 1054। कारण देखो बात समझना, इसे आप कम क्वेश्चन कराए थे याद करिए, कराए थे है ना, क्या वो सिखाए थे, जब क्या सिखाए थे, नंबर ऑफ जीरोस निकालना, हाईएस्ट पावर बनाना। बोलिए फैक्टोरियल 4000 बनवाए थे, हाईएस्ट पावर किसका, 40 का बनवाए थे, याद है ना आप लोगों। अब 60 बोलता है कि 63 का हाईएस्ट पावर क्या होगा, तो आपको हम क्या सिखाए थे, जब भी कोई नंबर क्या हो कंपोजिट नंबर, उसमें 63 को आप ब्रेक कर दीजिए किसमें, 7 और 9 में। बोलिए किस पे डिवाइड कर दिए, 7 और 9 में। और आप ये देख लीजिए कि ज्यादा संख्या कम संख्या किसका मिलेगा, 7 का या 9 का, बोलिए किसका मिलेगा, 7 का। और आपको बस ये देखना है कि फैक्टोरियल 636 में 7 और 9 का कितना पेयर बन सकता है, जिसका संख्या कम होगा उतना पेयर बनेगा, तो किसका संख्या कम होगा, 7 का कि 9 का, तो चेक कर किस पे करेंगे, 7 पे। इसको हम लोग किस तरह सिखाए थे आपको, सक्सेसिव डिवीजन सिखाए थे, तो क्या सिखाए थे कि 6336 को पहले कितना से भाग देंगे, 7 से, जो कोसेंट आएगा कितना कोसेंट आ गया, बोलिए 905। फिर 905 को कितना से भाग देंगे, 7 से, 129। 129 को कितना से भाग देंगे, 7 से, कितना कोसेंट आएगा, 18। 18 को कितना से भाग देंगे, 7 से, 7 दुनी 14, कितना कोसेंट आ गया, 2। क्या 2 7 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1024। इसका मतलब आप बोल सकते 1054, इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 6336 में 63 का हाईएस्ट पावर कितना बन सकता है, 1054। मतलब फैक्टोरियल 6336 को अगर आप गुना करेंगे उसमें 63 जो है वो 1054 बनाएगा। अगर हम सिर्फ 63 से भागा देते हैं, जो हम सिखाए थे सिर्फ 63 से भाग अगर हम लोग करते तो क्या उसमें गलती आता, कि सिर्फ 63 मिलता है, लेकिन 1 से लेकर 63 के बीच में जो और 63 बन रहा है 7 और 9 से गुना हो के, वो हमको नहीं मिलता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, कि जो भी नंबर दिया जाएगा उसको क्या करते हैं, पहले फैक्टर कर लेते हैं, और सबसे कम संख्या जो होगा जिसका बनेगा, 7 का, कितना पेयर बनेगा, 7 और 9 का उतना पेयर बनेगा, जितना नंबर किसका होगा, 7 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगला सवाल बोलता है बच्चे कि द 7 डिजिट नंबर, द 7 डिजिट नंबर 876 P37Q इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 225। बोलता है कि द 7 डिजिट नंबर 876 P37Q इज डिविजिबल बाय 225। तो बोलता है कि द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, इसमें से P और Q का वैल्यू क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, 90, 05, 95 और क्या, बोथ B एंड C, चार ऑप्शन आपके सामने। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि भाई 876 P37Q किससे कट रहा है, 225 इज डिविजिबल बाय कितना, 225।
आपको क्या करना है, पी और क्यू का संभावित वैल्यू निकालना है कि पी और क्यू का क्या मान पुट करें कि जो नंबर है वो कितना से कट जाए, 225 से क्या हो जाए, कट जाए। तो बताइए कि केसेस को बनाया जाए। तो आपको हम सिखाए थे इस तरह क्वेश्चन के लिए कि 225 से वही संख्या कटेगा जो किससे किससे कट जाए, 25 से और 9 से, मतलब 5 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर। सिखाया था ना आपको? ऐसा नहीं करिएगा कि आप 45 बोल दीजिएगा और 5 बोल दीजिएगा, क्योंकि 45 और 5 में क्या होगा कि 5 इसमें भी होगा 5 इसमें भी। हम क्या सिखाए थे कि जब भी होगा तो प्राइम बेस में तोड़िएगा। तो 225 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 25 और 9। तो 225 से वही संख्या कटेगा जो 25 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, ठीक है ना, 25 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। तो आपके सामने 876 P37Q। अब जो सबसे पहला बात है वो ये कि कोई भी नंबर अगर 25 से कटेगा, कोई भी नंबर अगर 25 से कटेगा तो उसके लास्ट में उसका लास्ट दो डिजिट या तो 25 होगा या तो 50 होगा या तो 75 होगा या तो 00 होगा। पहले हम 25 से चेक कर रहे हैं, कोई भी नंबर अगर 25 से कटेगा तो उसके लास्ट में या तो 25 होगा या तो 50 होगा या तो 75 होगा या तो 00 होगा, इसके सिवा और कोई संख्या नहीं सकता है। सब चेक कर लीजिए, 25 बन जा, बोलो चलो बोलो, 25 बन जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, 25 आ गया लास्ट में, 6 जा, 150 आ गया लास्ट में। तो वही रिपीट करता रहेगा, 25 50 75 100, 125 150 175 200, 225 250 275 300, इस तरह रिपीट करता रहेगा। कोई भी नंबर 25 से तभी कटेगा जब लास्ट में क्या हो, 25 50 75 और 00। अब इस केस में लास्ट में 25 आ सकता है कि 50 की 75 की 00, बोलिए। इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सा पोजीशन ले लिया, 5, क्लियर हो गया। अब ये कट गया, अब ऑप्शन नहीं है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, जल्दी बोलो। अब आपके सामने बात समझना ध्यान से, अब आपके सामने है कि अब 9 से चेक करना है। तो 9 से चेक कर, 9 से कोई भी नंबर कब कटता है, जब पूरा सम क्या होता है, 9 का मल्टीपल होता है, बोलिए। कोई भी संख्या 9 से कब कटेगा, जब पूरा संख्या 9 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 5 12, 12 3 15, 15 6 21, 7 28 और 8 36। मतलब ये P को छोड़ के ऑलरेडी ये नंबर 9 से कट रहा है, तो P का मान 0 भी संभावित है, 9 भी संभावित, बोलिए। मतलब 0 भी हो सकता है और 9 भी, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पॉसिबल है और ये भी। सो आवर आंसर विल बी बोथ B एंड C। समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? चलो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो चुका है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने के पहले, ये क्वेश्चन कई बार आएगा तो इसको मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, ताकि दो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा सहूलियत से ज्यादा समझने में बात को, और जो पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाए। तो यूनिट प्लेस डिजिट निकालने के लिए, एक बात आप लोग जानते होंगे कि किसी भी संख्या का आपको यूनिट प्लेस निकालना है तो चाहे उसका कितना भी नंबर हो, यूनिट प्लेस के लिए सिर्फ कौन जिम्मेदार है, यूनिट प्लेस ही जिम्मेदार है, ठीक है ना। जब भी हम यूनिट प्लेस निकालते हैं तो सिर्फ किसको ध्यान देते हैं, यूनिट प्लेस को ध्यान देते हैं। तो अगर यूनिट प्लेस में क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 9 ये हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 1 रहे, 5 रहे 0, ठीक है, 6 रहे या 0 रहे, यूनिट प्लेस कभी चेंज नहीं होता है, यूनिट प्लेस रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर यूनिट प्लेस पे पावर कुछ भी रहे, अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, और 0 है तो 0 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। अगर 4 और 9 रहता है, अगर 4 और 9 रहता है तो यहां पे अगर 4 के ऊपर पावर ऑड रहेगा तो हमेशा यूनिट प्लेस 4 होगा, अगर 4 के पावर इवन रहेगा तो हमेशा यूनिट प्लेस क्या होगा, 6 होगा।
ध्यान देंगे आप लोग, अगर 9 रहेगा, अगर 9 के ऊपर पावर ऑड रहेगा तो हमेशा क्या होगा 9, और 9 पे पावर इवन तो क्या होगा हमेशा 1। तो आपको इजी हो गया, 1560 के लिए हमेशा क्या होगा सेम यूनिट प्लेस होगा। अगर 4 रहेगा तो ऑड के लिए 4 हो गया और इवन के लिए 6 हो गया। अगर 9 रहेगा तो ऑड के लिए 9 हो गया, इवन के लिए 1 हो गया। अब बच गया आपके पास यूनिट प्लेस पे 4 संख्या, 2, 3, 7, 8। तो देखो बच्चों, इस 4 संख्या के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साइक्लिसिटी। क्या होता है साइक्लिसिटी। तो 2, 3, 7, 8, तो ये जो नंबर है इसका क्या होता है 4 होता है, मतलब ये नंबर इतने पे रिपीट करता है हमेशा। ध्यान देना आप लोग, क्या होता है इतने पे रिपीट करता है, 4 स्टेप पे रिपीट करेगा। जैसे 2 है तो अगर पावर 1 तो 2 हो गया, पावर 2 तो कितना हो गया 4 हो गया, पावर अगर कितना हो गया 3 तो कितना हो गया 8, पावर 4 तो कितना हो गया 6, अब पावर 5 तो कितना हो गया 2। मतलब ये जो नंबर है वो इतना ही पे क्या हो रहा है, देखिए 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। तो अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर कितना है 2 है तो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 8 होगा या तो 6 होगा, इसके सिवा कोई पांचवा नंबर नहीं हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या क्या करना है कि पावर को डिवाइड कर देना है कितना से 4 से, ठीक है। आपको कुछ रिमाइंडर मिलेगा, तो रिमाइंडर या तो 1 मिलेगा या तो 2 या तो 3 या तो 0, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या को 4 से भागा देंगे तो या तो रिमाइंडर 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 0 होगा। तो अगर 1 मिलेगा तो आंसर कितना हो जाएगा 2, 2 मिलेगा तो आंसर कितना हो जाएगा 4, 3 मिलेगा तो कितना हो जाएगा 8, और 0 मिलेगा तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और याद करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे अगर 2 रहेगा तो क्या बोल देंगे पावर 1 तो 2, पावर 2 तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, पावर 3 तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और पावर 0 तो 4 पे चेक करेंगे तो कितना हो गया 6। ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में क्लास में कराया जाता है, और पूरा एक क्लास इसको पूरा दिया जाता है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, और इस शीट में भी आपको ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से एक बार सीख लीजिए, वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कर लीजिएगा क्लियर कर लीजिएगा। 3 मान लीजिए 3 आ गया, तो 3 पे क्या हो जाएगा पावर 1 3, पावर 2 9, पावर 3 7, पावर 4 1। तो वही फिर से क्या करेंगे, पावर को 4 से भागा देंगे, और अगर 1 आ गया तो 3 हो गया, रिमाइंडर 2 आ गया तो 9 हो गया, रिमाइंडर 3 आ गया तो 7 हो गया, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 4 पे चेक कर लेंगे कितना हो गया 1। ध्यान देगा तो रिमाइंडर 0 आएगा तो कितना पे चेक करेंगे 4 पे। तो याद करने की जरूरत नहीं है, अगर यूनिट प्लेस पे 3 है, रिमाइंडर 3 आ गया, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 हो गया, आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बहुत सारा क्वेश्चन है आप डिस्कस करेंगे उसको, तो आप समझिएगा उसको। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था, बोलो ना सब लोग बना दिए होंगे फट से 3, 6, क्योंकि हम लोग इससे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्लास में किए हुए किए हुए ना बच्चे। 1793 इंटू 615 317 इंटू 841 और पावर कितना 94। तो हम लोग को निकालना है कि इस पूरे प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इसके यूनिट प्लेस पे, मतलब इस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे क्या आपको मिलेगा, इस पे निकालना है आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा। तो सबसे पहला हम लोग एक बात जानते हैं बच्चे कि यूनिट प्लेस के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सर यूनिट प्लेस होता है। तो हमको इससे पे मतलब नहीं, हमको सिर्फ मतलब किससे 4 से, हमको सिर्फ मतलब किससे 5 से, हमको सिर्फ मतलब किससे 1 से। अब आपको क्लास में सिखाया गया है कि अगर यूनिट प्लेस पे 4 हो और उसका पावर ऑड हो उसका यूनिट प्लेस कितना होगा 4, अगर यूनिट प्लेस पे क्या हो 5 क्या होगा आंसर 5, और 1 हो तो क्या होगा 4 × 5 = 20 कितना हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, अब बहुत लोग याद करने का प्रयास कर रहे होंगे, अच्छा हाँ पढ़े थे, एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, याद पड़ रहा है, कुछ कुछ झलक नजर आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। चलो आगे देखना, अगला बोलता है सवाल कि 7 का पावर 95
माइनस तीन का पावर 58, सात का पावर 95 माइनस तीन का पावर 58, ध्यान से देखना का यूनिट प्लेस कितना होगा। अब हम लोग को पता है बच्चे कि जब भी सात रहेगा और तीन रहेगा तो इसका हम लोग यूनिट प्लेस किस मेथड से निकालते हैं, बाय साइक्लिसिटी। और सात और तीन का क्या होगा साइक्लिसिटी, चार। इस पावर को कितना से भाग देंगे, चार से। तो सात का पावर कितना 95 बाय कितना 4, और तीन का पावर 98 बटा 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर बोलिएगा, क्लियर है। तो सात का पावर 95 हम क्या सिखाए थे कि जब यूनिट प्लेस पे कितना होगा, सात होगा या तीन होगा, दूसरा कितना हो जाएगा, चार। चार से भागा दे दिए, यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया, तीन। यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया, दो। समझ पा रहे हैं आप लोग, चलो बात समझ में आ गई। अब जब तीन रिमाइंडर रहेगा तो सात पे क्या मिल जाएगा यूनिट प्लेस, जल्दी बोलिए, सात, सात का स्क्वायर 49, बोलिए, सात, सात का स्क्वायर 49, और 49 गुना सात कितना, तो कितना हो गया, थ्री हो गया। और तीन है, तीन पे कितना रिमाइंडर, दो, तो तीन का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते थे, कैसे कहते थे, ये सात रहेगा यूनिट प्लेस पे तो चार से भाग देगा, जितना रिमाइंडर आएगा 1, 2, 3 या 0 उस पे उतना पावर चेक कर लीजिएगा। अगर रिमाइंडर 1 यहाँ पे आता तो कितना आंसर होता, सात का पावर 1, सात हो जाता। रिमाइंडर 2 आता तो क्या होता, सात का स्क्वायर कितना हो जाता, 9। अगर रिमाइंडर 3 आया तो कितना हो गया, 3। और रिमाइंडर अगर 4 आएगा तो 7 का पावर 4, 7 के पावर 4 पे क्या होगा यूनिट प्लेस, 1। यहाँ अगर रिमाइंडर 1 आता 1 तो 3 का पावर 1 कितना होता, 3। यहाँ रिमाइंडर 2 तो 3 का स्क्वायर 9। यहाँ रिमाइंडर 3 तो 3 का क्यूब 27 तो क्या हो जाता, 7। और यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाता, 4 का भी आएगा 0, तो कितना बचे करते, 4 होते, 3 का पावर 4 81 कितना होता। अभी यहाँ तक भी बहुत सारे बच्चे यहाँ तक सही करने के बाद अगला स्टेप में गलती कर देगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। आपको क्या करना है, आपको इसमें से इसको घटाना है, इसका मतलब कि ये 3 है और ये 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। बोलो इन्हीं को ना घटाना है, ये बताओ कि जब 3 है और ये 4 है तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अरे देखो बगल से हासिल नहीं लोगे, अरे हासिल नहीं लोगे, हासिल लोगे तो कितना हो जाएगा, 13। और 13 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, अरे बोलिए ना। अच्छा जैसे आपको बोल रही बोल देंगे 2, 3, 5, 3 में से 1, 2, 3, 4 को घटाइए, तो आप क्या करिएगा, 13 में से 4 का कितना हो गया, 9। यहाँ वही तो है, आगे लिखा हुआ नहीं है, वो तो डिजिट तो होगा यहाँ। अच्छा 4 की जगह यहाँ पे 9 है, तो आप क्या कर लीजिए, 13 में से 9 हो गया कितना हो गया, 4। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो नंबर सिस्टम के टॉप 100 क्वेश्चंस का है, जिसे मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि नंबर सिस्टम के बेस्ट क्वेश्चंस आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि 2016-17 प्री मेंस आप कोई भी एग्जाम देख ले, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा गया है। ठीक है बच्चों, ये जो वीडियो है ये मैं अपने क्लास में जब नंबर सिस्टम एक महीने के आसपास पढ़ाने के बाद जो मैं टेस्ट लेता हूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूँ, ये वीडियो उसका सॉल्यूशन है। तो भूल के भी ना समझें कि ये वीडियो के द्वारा मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं आपको नंबर सिस्टम का बेस्ट क्वेश्चन विथ बेस्ट सॉल्यूशन विथ बेस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो इस वीडियो का बहुत ज़्यादा फायदा उठाने के लिए आप ये करिए कि या तो मेरा फेसबुक टाइमलाइन से, या तो थिंक विदाउट इंक पेज से, या तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस के सेट मिल जाएंगे। पहले आप उस 100 क्वेश्चन के सेट को बना लें और फिर आप इसका वीडियो देखें, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा और आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। चलिए अभी 11 क्वेश्चन फिर से एक बार, कौन सा क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट निकालने वाला। तो एक बार जानते होंगे आप लोग, सिखाए थे आप लोग को कि यूनिट प्लेस के लिए कौन जिम्मेदार होता है, यूनिट प्लेस ही क्या होता है, जिम्मेदार होता है।
अब बोलिए देखो, अब सवाल सब लोग बनाएगा, लेकिन एक बैल बनाएगा और एक लीजेंड बनाएगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। बैल क्या करेगा? पूरा गुना करेगा। लीजेंड क्या बोलेगा? पांच चौके एक जीरो मिल गया, पूरे एने में पूरा क्या होगा? बोलिए। और बैल क्या क्या होगा? पहले बोलेगा एक गुना दो, दो दो गुना तीन छः, छः गुना चार चौबीस, और चार गुना पाँच बीस, और जीरो गुना छः जीरो, जीरो गुना सात जीरो, जीरो गुना आठ जीरो, जीरो गुना नौ जीरो। आ गया क्या? तो आप लोग ऐसे ही किए थे क्या? नेक्स्ट 12 नंबर बच्चे बोलता है कि 2464 का पावर 1793 गुना 615 का पावर 317 गुना 131 का पावर 491। ये तो बहुत आसान है बच्चे, ये हद से ज्यादा आसान है, क्योंकि चार के पावर ऑड हम क्या निकाल, यूनिट प्लेस निकाल रहे हैं। चार का पावर ऑड क्या हो जाएगा? चार। पांच का पावर कुछ भी क्या हो जाएगा? पांच। और पांच चौके कुछ भी रहे क्या होगा? नेक्स्ट 13 नंबर बोलता है कि 1570 का स्क्वायर है 1571 का। ये थोड़ा सा आप लोगों को दे दिए थे इजी इजी क्वेश्चन के, थोड़ा सा आप लोग बना लीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाइएगा, थोड़ा सा फील गुड कर लीजिए। आइए, तो जीरो का पावर कुछ भी हो क्या हो जाएगा? जीरो। वन का पावर वन, क्योंकि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि यूनिट प्लेस के लिए कौन सी मजा होता है? यूनिट प्लेस। बस देखना क्या है हमको? यूनिट प्लेस। यहाँ पे क्या है? जीरो। यहाँ पे क्या है? वन। दो का स्क्वायर और तीन का क्यूब, तीन का क्यूब स्क्वायर है, सब स्क्वायर है, तीन का स्क्वायर तो नौ चार 13 और 1 14 प्लस कितना? देखिए एक पांच छः और नौ, एक पांच छः और जीरो के लिए तो याद नहीं करना, वही रहेगा यूनिट प्लस। चार और नौ के लिए भी कैसे कहें? ऑड के लिए चार, इवन के लिए छः, नौ पे ऑड के लिए नौ, इवन के लिए। बस ध्यान किस पर रखना है? दो तीन सात आठ, उसमें भी कुल ध्यान नहीं रखना है, बस पावर को चार से भागा दे दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उतना यूनिट प्लस का उतना उतना पावर चढ़ा दीजिए। अगर रिमाइंडर दो पे वन आ गया तो दो बोल दीजिए, अगर दो पे रिमाइंडर दो आ गया तो चार बोल दीजिए, दो का स्क्वायर चार। और यूनिट प्लेस पे दो है, रिमाइंडर तीन आ गया, दो का क्यूब आठ बोल दीजिए, बोलो। और रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो दो पे पावर कितना आ जाएगा? चार, छह हो जाएगा। तो याद कुछ तो नहीं करना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सोचना है। देखो पढ़ाई का तीन होता है, सबसे पहले पठन, फिर चिंतन, फिर मनन। तो आजकल बच्चा खाली पढ़ता है, चिंता करता है कि अरे उसका बेसिस के लिए रिप्लाई नहीं आया अभी तक किसी आया हुआ है क्या हमसे? नहीं, आजकल ये ज्यादा सब लोग इसमें ज्यादा टेंशन लेता है कि मान ली किसी को भेज दिया मैसेज ब्लू हो गया, अरे ब्लू हो गया पढ़ लिया रिप्लाई नहीं किया अभी तक, सोचेगा कुछ कहीं कुछ कैसा तो नहीं गुस्साया हुआ है, होता है ना ऐसा भाई? बहुत लोग हम उसको मैसेज कर दिया वो रिप्लाई नहीं किया, पूरा एकदम अंदर से बबूला होते रहेगा, फिर फोन करेगा कि मैसेज नहीं देखे और रिप्लाई किए, तो पता है ना वही सब। तो आधा आप लोग कंपटीशन तो यही सफलता कर दे रहा है, नहीं बात समझे? अगर आप एग्जाम का सिर से तैयारी कर रहे हैं तो आपका आधा भाग कौन हटा दे रहा है? फेसबुक और व्हाट्सएप, वो आधा बच्चा को रेस से बाहर निकाल दे रहा है। कौन? हाँ जियो कर दिया। नेक्स्ट बच्चे चौदह नंबर 6732 का पावर कितना? 172 गुना 6733
तो पावर कितना बचे 172 6734 का पावर कितना बचे 6736 बचे का पावर कितना 1। अब देखो बात समझना ध्यान कि हमको क्या निकालना है यूनिटलेस इसो के मतलब है इसो के मतलब है इसो के मतलब है नहीं इसो के मतलब है अब दो पे कितना हो जाएगा 4 कितना से भाग दे देंगे 4 कितना रिमाइंडर आ गया 2 3 पे कितना से भाग दे देंगे 4 कितना रिमाइंडर आ गया बोलिए 0 अब 2 पे रिमाइंडर 2 कितना हो जाएगा 4 3 पे रिमाइंडर कितना 0 कितना पे चेक कर लेंगे 4 कितना हो जाएगा 1 4 पे पावर इवन 4 पे पावर इवन कितना हो जाएगा 6 और 6 पे कितना 6 तो 6 का 36 इंटू 4 बोलिए कितना तो क्या हो गया आंसर 15 नंबर ट्रिपल एट प्लस ट्रिपल एट। हमको क्या निकालना है बच्चे इसका यूनिट प्लस क्या करेंगे इसको मिटा दें क्योंकि तो हमको तो इससे कोई मतलब ही नहीं इससे भी कोई मतलब नहीं अब 2 पे कितना से भागा दें बोलो 4 से रिमाइंडर आवाज नहीं आ रहा 0 8 पे कितना से भागा दें 4 से रिमाइंडर कितना 0 कितना 2 हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर को किससे भाग देना है 4 से सिर्फ अंतिम का कितना डिजिट 2 अगर आप किसी भी नंबर को 4 से भाग देना तो कितना देंगे अंतिम का 2 डिजिट 88/4 रिमाइंडर कितना हो गया 0 और 22/4 रिमाइंडर कितना हो गया 2 और 2 का रिमाइंडर 0 तो कितना चेक कर लेंगे 4 2 का पावर 6 यूनिट प्लेस 6 समझ आ रहा आप लोगों देखो 8 का स्क्वायर कितना हो गया बोलिएगा 6 या 4 10 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 32 का पावर 32 क्लास में करा हुआ क्वेश्चन है तो इसका कैसे कहते हैं कि फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 32 का पावर 32 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ऐसे बोलिएगा जल्दी बोलिए और हमको लास्ट 2 डिजिट निकालना है इस 3 से तो कोई मतलब हमको नहीं हम 32 को कैसे ब्रेक कर देंगे एवरीवन और 2 का पावर 4 कितना होता है 6 जल्दी बोलिए तो क्या बोले थे किसी यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया इसको लिए तो कितना हो गया 6 यूनिट प्लेस पे 6 का पावर कुछ भी हो क्या होगा यूनिट प्लेस तरीका नंबर 1 था तरीका नंबर 2 क्या सिखाया था आप लोगों को कि 32 का पावर 32 क्या निकालना है बोलिए 2 है अब ये जो पावर है इसको कितना से भागा देंगे आवाज नहीं आ रहा जब 32 के पावर 32 को 4 से भागा देंगे कितना रिमाइंडर आएगा जल्दी बोलो कितना रिमाइंडर आएगा 0 जब रिमाइंडर 0 तो 2 के पावर पे रिमाइंडर 0 तो कितना पे चेक कर लेंगे 4 कितना हो जाएगा तो दोनों मेथड से हो जाएगा समझ में आ जाए तो बहुत आसान नहीं है तो बहुत मुश्किल है कॉन्सेप्ट है तो कोई दिक्कत नहीं और कॉन्सेप्ट के लिए कुछ नहीं करना है बस क्लास नोट्स पे बार बार रिवाइज करना है 4 बार 5 बार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप कितने भी कमजोर हो अगर हर कॉन्सेप्ट को 3 बार 4 बार 12 बार रिवाइज करते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ाई में आप 2 पार्ट बांट लीजिए एक रिवीजन का और एक प्रैक्टिस का
आगे पढ़ने से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, पीछे का रिवाइज करना। तो आगे बढ़ते जाएंगे पीछे का भूल जाएंगे, फिर फायदा नहीं है पढ़ने का। आइए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17। 17 भी क्या है, यूनिट डिजिट है। किसका निकाला, किसका निकालना है, 13 का पावर 24 गुना 67 का पावर 57 प्लस 24 का पावर 13 गुना 57 का पावर 68 प्लस 1234 प्लस 5678। देखो यहाँ पे तीन है बच्चे, तो कितना से भाग देंगे आप, सबसे पहले क्या करते हैं वो क्या निकालना है, यूनिट प्लेस निकालना है। तो हम पहले 1 कटा दिए, 6 कटा दिए, कोई मतलब नहीं इससे, 2 कटा दिए, 5 कटा दिए, कोई मतलब नहीं है, 123 को हटा दिए, कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दिए, कोई मतलब नहीं। अब आपको थोड़ा सा आसान दिख रहा होगा, तो इसको कितना से भाग दे देंगे, चार। कितना रिमाइंडर, इसको कितना से भाग देंगे, चार। कितना रिमाइंडर, इसको कितना से भाग देंगे, कितना रिमाइंडर, इसको कितना से भाग देंगे, कितना रिमाइंडर। अब 3 का पावर 0, बोलिए, चार पे चेक करना होगा, 3, 9, 27 और 81 यूनिटलेस। 7 का पावर 1, 7, 4 का पावर 1, 7 का पावर 0, चार पे चेक करना होगा, 7 का पावर 4 कितना हो गया, 2401, क्या हो गया यूनिट प्लेस, क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस कितना, 4 प्लस कितना, 7 बन जा, 7, 4 बन जा, 4 प्लस 4 प्लस 8, तो 8, 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
लगा दीजिए, सही कर दीजिए। 18 नंबर, देखिए क्या बोलता है कि द लास्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन भाई? 888-9235 प्लस कितना? 222-9235 प्लस 666-2359 प्लस 999-4×9। अब बात समझिएगा आप लोग, इसका आपको क्या निकालना है? यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट प्लेस। तो हमको पता है किसको बना दिए? 88 को। किसको काट दिए? 22 को। किसको काट दिए? 66 को। किसको काट दिए? 99। अब 8 का पावर 9235 से फैक्टोरियल, 2 का पावर 9235 से फैक्टोरियल, इससे आपको चेक करना है। तो इसको कितना से भाग देंगे बोलेगा? 4 से। इसको कितना से? 4 से। तो क्या 9235 फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा? हाँ कि ना? क्योंकि 9235 फैक्टोरियल बोलने का मतलब क्या है कि 1, 2, 3, 4 अब तो कितना? 9235। इसको अगर 4 से भागा देंगे तो बिल्कुल रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा क्या हो जाएगा? क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद अगर कोई भी संख्या है तो वो 4 से कट जाएगा। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद हर नंबर में फैक्टोरियल 4 होगा। बोलिए पक्का बात है कि वो कट जाएगा? क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 4 का जो बाद का संख्या है वो इसके बाद ही ना होगा, तो फैक्टोरियल 4 के बाद की कोई भी संख्या फैक्टोरियल 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ऑब्वियस बात है ये नंबर क्या हो जाएगा? 4 से कट जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा बोलेगा? यहाँ भी कट जाएगा, कितना रिमाइंडर हो जाएगा? ये तो 6 के ऊपर पावर कुछ भी हो 6 ही होगा। अब यहाँ पे 9, ये ऑड होगा या इवन? ये ऑड या इवन? बोलिए ऑड या इवन? इवन। क्यों इवन? क्योंकि 4×9 बोलने का मतलब क्या?
कि एक गुना दो गुना तीन गुना कितना, और चाहे नंबर कितना भी हो, एक लाख संख्या ऑड नंबर हो, और उसमें अगर आप एक भी इवेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इवेंट। और यहाँ 4 × 9 factorial है, इसमें तो बहुत सारा इवेंट नंबर पक्का बात है, क्या होगा, इवेंट होगा। तो 8 पे रिमाइंडर 0 कितना पे चेक करना होगा, पावर 4 कितना हो जाएगा, बोलिए कितना, 2 पे पावर 0 कितना पे चेक करना होगा, 4 कितना हो जाएगा, 6 का पावर कुछ भी कितना हो जाएगा, 6। और 9 का पावर इवन, तो 6, 12, 18 और 1 19 देखिएगा, 19 बोलता है कि द लास्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज, मतलब फैक्टोरियल 1 का पावर 1, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 का क्यूब, अप टू फैक्टोरियल 10 का पावर 10 का यूनिट प्लस कितना होगा। देखो ध्यान से समझना आप लोग, ये फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का मान बोलिएगा 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 4 का मान, फैक्टोरियल 5 का मान, फैक्टोरियल 6 का मान बोलिए 720। मतलब आफ्टर फैक्टोरियल 4 यूनिट प्लेस विल बी, मतलब फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी इकाई अंक है वो क्या हो जाएगी, मतलब फैक्टोरियल 5 से कोई भी संख्या का इकाई अंक आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक कितना हो गया, 1, और 1 का पावर 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2, 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 का बोलो 6, 6 का क्यूब, फैक्टोरियल 4 का 4, 4 का पावर 4, उसके आगे सब क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0। उसके आगे जो भी संख्या होगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, तो क्या यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपको यूनिट प्लेस से ही 4 संख्या देगी, यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 6, यहाँ कितना, गलती नहीं, इवन पावर क्या हो जाएगा 6, तो 6, 6, 12, 4 और 1 कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पावर कितना है बच्चे, जल्दी बोलो ना, 99, यहाँ पे कितना हो गया 98, यहाँ कितना, यहाँ कितना बोलिए कितना, 99 हो गया, कितना हो जाएगा 1। तो एक बात तो पक्का है, ये फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल लिखा हुआ है और आपको यूनिट प्लेस निकालना है, तो आपको मात्र चेक कहाँ तक करना पड़ेगा, उसके आगे सब क्या हो जाएगा, तो हम बस 4 तक ही चेक करेंगे कि फैक्टोरियल 1 का पावर 99, तो 1 पे क्या हो जाएगा 1, 2, 2 पे कितना हो जाएगा 2, 3, 6 का पावर 97, 4 कितना, कितना 6, आगे सब कितना, यहाँ कितना से भाग दे, बस तो 1 पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 6 पे कुछ भी कितना हो जाएगा 6, और 4 पे कुछ भी कितना, गुड, 12, 4, 16 और 1। क्लियर है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो नंबर सिस्टम के टॉप 100 क्वेश्चंस का है, जिसे मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि नंबर सिस्टम के बेस्ट क्वेश्चंस आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि 2016-17 प्री मेंस आप कोई भी एग्जाम देख ले, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा गया है।
ठीक है बच्चों, ये जो वीडियो है ये मैं अपने क्लास में जब नंबर सिस्टम एक महीने के आसपास पढ़ाने के बाद जो मैं टेस्ट लेता हूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूँ, ये वीडियो उसका सॉल्यूशन है। तो भूल के भी ना समझें कि ये वीडियो के द्वारा मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं आपको नंबर सिस्टम का बेस्ट क्वेश्चन विथ बेस्ट सॉल्यूशन विथ बेस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो इस वीडियो का बहुत ज़्यादा फायदा उठाने के लिए आप ये करिए कि या तो मेरा फेसबुक टाइमलाइन से, या तो थिंक विदाउट इंक पेज से, या तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस के सेट मिल जाएंगे। पहले आप उस 100 क्वेश्चन के सेट को बना लें और फिर आप इसका वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और बहुत मज़ा आएगा और आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे।